अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप राइस ऑफ डिकीज का नज़ारा अवैस एवान के साथ देखेंगे। आज मैं आपको अपनी सारी एक एक बात बताऊंगा कि राइस ऑफ जराहन कितनी अच्छी गेम है, तो प्लीज़ आप मेरे डाउनलोड कीजिए, देखें ये चाहिए मेरा कैसा है। मेरा नाम प्रिंस अवैस, मेरा नाम अवैस है, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, ये आप देख भी सकते हैं। ये देखें मेरी पावर लाख, आज मेरी पावर हुई है 10 लाख, माशाल्लाह। सब कुछ इसी 30 हज़ार है, 30 हज़ार बहुत ज़्यादा शामिल हूँ, ठीक करूँगा। अभी मैं फूड वगैरह का ठीक कर रहा हूँ, प्लस आयरन और सिल्वर। ओह माय गॉड, ये मैंने खेला नहीं, लगता है कभी वो साथ नहीं देखती। ये देखिए मैं सोल्जर फॉर्म भी गए, कुछ दिन वहाँ कुछ अटैक हुए थे पिछले दिनों, तो थोड़ा सा मैं अकेली वन स्टार से तो कुछ अटैक्स हुए थे, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा हैवी लॉस हो गया था। मेरे कोई 35,000 से मेरे कोई तकरीबन सॉरी मेरे तकरीबन 45,000 से 50,000 है माउंटेड हो गए थे सोल्जर, जिसमें जिस जो मैंने अभी काफ़ी हद तक हील कर चुका हूँ, बस 13,235 अब मैंने और अपने हील करने हैं। अब मैं आपको ना अगर अपनी आर्मी दिखाती हूँ, यहाँ पे है माशाल्लाह अल्लाह के शुक्र करम है, माशाल्लाह 3,10,000 है, और अंदर मेरी जवानिट मेरी साल तेरह ही खराब थी वो करी हुई है, वो अगर कर लें तो ये मेरी आर्मी बनती है सारे 3,23,000। ये आप मेरे सारे सोल्जर्स देख भी सकते हैं, अच्छा मैं आपको बात बता दूँ, ये मैंने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया, मैंने थोड़ी सी भी एक आने की भी मैंने परचेजिंग यहाँ नहीं की, ये मैंने जो कुछ किया वो खुद ही मैंने सब कुछ किया अपनी हिम्मत से। मैं आपको थोड़ा बाहर का सीन दिखा लूँ, ये आप देख सकते हैं मैं सोल्जर्स बाहर गए हुए हैं, मेरी 3 मार्चेस गई हैं बाहर कलेक्टिंग के लिए, एक आप ये देख सकते हैं, एक ये और ये, इन्हें मैंने फूट लिखी है, ये मेहमान कुछ 5 माइल्स दूर है। असल में जहाँ पे मेरे पे अटैक्स हुए थे तो मैं रात को ऑफलाइन था, लेकिन अल्लाह के शुक्र से मुझे मेरे जो मैं जहाँ मैंने उनको भेजे तो उन पर अटैक वगैरह तक कुछ अटैक नहीं हुआ, ना एक रैली वगैरह निकाली गई। सो मैं वहाँ से आ गया, ये ना 2 कमबख्श बंदे थे, मैं आप बैटल रिपोर्ट नहीं दिखाता हूँ, मैं फेल हुआ था बैटल रिपोर्ट, मैं भी आपको दिखाता हूँ बैटल रिपोर्ट। ये है मास्टर चार और किंग कोंगो, पहले मैं आपको मास्टर चार को दिखाता हूँ। मास्टर चार ने मेरे 4,000 वाउंडेड किए थे, और इसके 5 वाउंडेड हुए जब मैं हारा था, और मेरा को तकरीबन 4,500 जो थे कलेक्टिंग के लिए, लेकिन वो इसने इस मास्टर चार ने भेजे थे 41,700, तो फिर भी मैंने काफ़ी अच्छा मुजाहरा किया, लेकिन फिर बिहार है उसकी इतनी तादाद थी 50 से भी ज़्यादा। और ये एक और है किंग कोंगो, ये इस अलायंस का लीडर है, बहुत ख़तरनाक बंदा है, इसने जो हमारे जो अलायंस जो हमारे सिंगम जो फर्स्ट अलायंस है ना, इसने उस पर भी अटैक करके उन्हें हराया था, और ये उस अलायंस को 3rd पे ले गया ए बी आर का लीडर, और इससे कुछ इतना अन्य खास नुकसान नहीं हुआ, ये बहुत ख़तरनाक बंदे हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी ज़्यादा माइनस ही पावर,
लेकिन कॉन्गो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अलायंस बनाई हुई है छोटी सी अवान टाइगर के नाम से, एंटी अवान टाइगर्स। के ये किंगडम 48 और अल्लाह की शुक्र माशाल्लाह मैं कभी इतना नहीं टिका किसी भी किंगडम में। मैंने पहले भी काफ़ी की क्लासेस बनाए हैं लेकिन डिस्ट्रॉय हो जाते थे कुछ एग्जाम्स की वजह से, कुछ किसी और यानी कि किसी और की वजह से, लेकिन ये माशाल्लाह से मेरा पहला कैसल है जो मैं इतना आगे पहुँचा पाया। आप देख सकते हैं 11 दिन क्या नाम है वार ऑफ थ्रोन को स्टार्ट होने में 11 डेज 16 आर लेफ्ट है फिर वार ऑफ थ्रोन स्टार्ट होगी। ओके फिर खुदा हाफिज़, मैं इस तरह वीडियोस बनाता रहूँगा, मुझे सब्सक्राइब करें प्लीज़, थैंक यू।